हेलो स्टूडेंट्स टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर फर्स्ट ऑफ सिविक्स डाइवर्सिटीज इन इंडिया स्टूडेंट्स प्रीवियस वीडियो में हमने डाइवर्सिटीज के बारे में जाना था तो थोड़ा सा हम प्रीवियस वीडियो के बारे में बात कर लेते हैं ये डाइवर्सिटीज क्या है मतलब इंडिया में जो हमें बहुत तरह की डाइवर्सिटीज जो देखने को मिलती हैं वही जैसे कि आपको मिलेगा वी आर स्पीक डिफरेंस लैंग्वेज वी हैव वेरियस फूड्स एंड सेलिब्रेट डिफरेंस टाइप ऑफ फेस्टिवल्स एंड और हम बहुत तरह के मतलब कि बहुत सारे जो कल्चर्स हैं रिलीजन्स हैं उनको सबको फॉलो करते हैं एंड डिफरेंस टाइप ऑफ ड्रेसेस ये सब क्या है यही सब ये क्या है डायवर्सिटीज है और जो आप जो थाट्स हैं वो आपके फ्रेंड से मैच नहीं करते हैं ना आपके पेरेंट से मैच करते हैं तो यही सब क्या है मतलब कि जो आपको विविधता जो देखने को मिलती है वही सब डायवर्सिटीज है तो आइए हम हम नेक्स्ट वीडियो में पार्ट टू में यूनिटी इन डाइवर्सिटीज स्टार्ट करते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटीज मतलब के अंदर यूनिटी किस तरह से है और क्यों है आइए हम इसके बारे में जानते हैं राइज इन मिक्स इन्फ्लुएंसेस यूनिटी अमो पीपल लिविंग इन डिफरेंस रीजन इट मीन्स यह बताया गया है कि विभिन्न क्षेत्रों या स्थिति में रहने वाले जो पीपल के बीच में जो यूनिटी जो हमें देखने को मिलती है वह धीरे धीरे मिलती है एक्चुअली uh, होता है क्या है हम मतलब कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक जब ही जाते हैं जैसे कि हमें कोई परेशानी होती है लाइक जैसे कि प्राकृतिक आपदा का आना सूखा का आना या फिर यहाँ के यहाँ के लोगों के बीच में कुछ युद्ध वगैरह होना तो इस तरह से क्या है ये, ये, ये चीज क्या है हमें एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए मजबूर कर देती है तो हम जैसे कि अगर यहाँ कुछ हो जाता है जैसे कि बाई चांस कुछ हो गया है तो हम बहुत से लोग जैसे सूखा आ जाती है बाढ़ आ जाती है तो एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं रहने के लिए तो जो, जब वो दूसरे स्थान जाते हैं तो वो वहां के लोगों में धीरे 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 क्या है ढलते हैं तो इसमें से क्या धीरे धीरे ढलेंगे तो उनमें क्या है धीरे धीरे यूनिटी विकसित होती जाती है तो यही सब क्या है यही सब और हम न्यू प्लेसेस पर सेटल डाउन हो जाते हैं तो हमें न्यू कल्चर्स और न्यू मतलब की थिंकिंग हमें सोचने को मिलती है और वहां हम धीरे धीरे डलते जाते हैं और यही डाइवर्सिटीज इन इंडिया के अंदर जो क्या है यूनिटी है अ न्यू प्लेसेस गेव देम अ न्यू लाइफ स्टाइल एंड चैलेंजेस इट मीन्स एक जो न्यू प्लेस है वो क्या है वो न्यू लाइफ स्टाइल के लिए लोगों को चैलेंज करती है जैसे कि अगर हम जैसे कि मान लीजिए हम एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं तो हमें वहां के बारे में कुछ भी पता नहीं होता और हम वहां के आए उसको वहां की तरह हम अपने आप को डालते हैं तो ये क्या है जो न्यू प्लेस है वो लोगों की लाइफ स्टाइल को क्या करता है चैलेंज करता है तो यही क्या है यही क्या है डाइवर्सिटीज़ में क्या है यूनिटी है धीरे धीरे पीपल्स क्या है अपने आप को वहाँ के कल्चर्स में और वहाँ की चीजों में अपने आप को ढाल देते हैं वेड लर्निंग एंड टीचिंग इट मीन वह मतलब कि जो वहाँ रहते हैं तो वहां से क्या है लर्निंग और टीचिंग वहाँ से वो बहुत कुछ यूनिटी के बारे में सीखते हैं और बहुत कुछ उन्हें वहां से टीच लर्निंग एंड टीचिंग से बहुत कुछ सीखने को उनको मिलता है और अपने आप को वो धीरे धीरे से चेंज करते जाते हैं तो इससे यूनिटी बनती जाती है न्यू कल्चर्स को जन्म मिलता है और यूनिटी में क्या है यूनिटी में क्या है इन्फ्लुएंस मिक्स हो जाती है और न्यू कल्चर क्या है यूनिटी के साथ इसका जन्म हो जाता है तो इसमें यूनिटी धीरे दिर धीरे से लोगों में विकसित होती जाती है और वे नए कल्चर्स के साथ अपने को ढालते जाते हैं और अपने पुराने कल्चर्स के साथ भी वो मतलब दोनों को मिक्स किए मिक्स करते हैं और न्यू थिंकिंग के साथ और लोगों में यूनिटी की एक नई भावना जागृत हो जाती है इन्फ्लुएंस ऑफ फॉरनर्स इट मीन्स यूनिटी इन डाइवर्सिटीज में फॉरनर्स पर किस तरह से मतलब यूनिटी का जो प्रभाव पड़ा है वो किस तरह से पड़ा है आइए जानते हैं हिस्ट्री इज अ स्टोरी ऑफ द पास्ट इंडियन हिस्ट्री टेल्स अस अबाउट फॉरनर्स इंफ्लुंस डेट एडेड टू अवर डाइवर्सिटीज इट मींस हमारी जो हिस्ट्री है वह फास्ट की क्या है एक स्टोरी है जो इंडियन हिस्ट्री है हमें विदेशी प्रभाव के बारे में बताती है और हमें वह यह भी, भी सीख देती है की कि हमें किस तरह से विविधता से, से हमें जोड़ा गया है और किस तरह से वह जोड़ती है फॉरनर्स uh, जैसे कि फॉरनर्स लाइक आपने देखा होगा ताजमहल या आप बाहर से जो भी आते हैं ताजमहल पर या फिर और कहीं भी जो फॉरनर्स जो आते हैं और इंडिया में आते हैं तो वो इंडिया का कल्चर अपनाने लगते हैं लाइक like, आपने देखा होगा इंडियन ड्रेस ड्रेसेस पहनते हैं वो और इंडियन का कल्चर्स uh, को वो फॉलो करते हैं और अपने आप को वहां पर एडजस्ट कर देते हैं और वे हमारी क्या है संस्कृति को प्रभावित करते हैं और उन्होंने हमारी धार्मिकता को भी प्रभावित किया है एंड वे हमारे रिलीजियस लैंग्वेज एंड ड्रेसेस को भी मतलब इस तरह से यूज करते हैं वो पहनते हैं और हम भी उनके थोड़े बहुत जैसे कि हम यहाँ से उनके प्लेसेस पर जाते हैं तो हम उनके कल्चर्स को भी थोड़ा बहुत फॉलो करते हैं जैसे कि वो करते हैं तो यही क्या है यही एक यूनिटी है जैसे कि हमें इन सब के बारे में कल्चर से और रिलीजियस लैंग्वेज एंड ड्रेसेस इन सब के बारे में हमें क्या है इंट्रोड्यूस कराया गया है तो यही सब क्या है यही सब क्या है यही सब यूनिटी है जो हमें इंडिया में देखने को मिलती है फ्रीडम स्ट्रगल इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटीज स्टूडेंट्स जो हमारा जो बेस्ट एग्जाम्पल है वह इंडियंस फ्रीडम स्ट्रगल जो है बेस्ट एग्जाम्पल माना जाता है डायवर्सिटीज इन यूनिटी का इनफैक्ट पंडित जवाहरलाल नेहरू वॉज स्लोगन गेव स्लोगन यूनिटी इन डायवर्सिटीज दिस डिस्क्राइब्स इंडिया मोस्ट ब्यूटिफुली अवर नेशनल फ्लैग नेशनल एंथम नेशनल वर्ड्स एंड नेशनल फ्लावर्स आर ऑल सिम्बल्स ऑफ दिस यूनिटी इट मीन्स इनफैक्ट जो पंडित जवाहरलाल नेहरू है नेहरू ही है जिन्होंने मतलब की स्लोगन दिया था यूनिटी इन डाइवर्सिटीज का जो भारत माता के भारत माता को सबसे सुंदर और सबसे अच्छे दाविस, के मतलब के बारे में उन्होंने डिस्क्राइब किया है उन्होंने डिस्क्राइब किया है उन्होंने बताया कि अवर नेशनल फ्लैग अवर नेशनल एंथम एंड नेशनल वर्ड्स नेशनल फ्लार ये सभी क्या है ये सभी यूनिटी के एक सिंबल हैं जो कि हमें यूनिटी के बारे में बताते हैं तो यही सब क्या है यही सब क्या है यूनिटी है यूनिटी का जो बेस्ट एग्जाम्पल दिया है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया है डायवर्सिटीज इन इंडिया जिसमें उन्होंने स्लोगन के द्वारा यूनिटी इन डायवर्सिटीज को बताया है उन्होंने फ्लावर्स नेशनल फ्लावर्स यू और बर्ड्स नेशनल एंथम फ्लैग इन सबको एक यूनिटी का सिंबल कहा जाता है ग्लोबलाइजेशन The twentieth century has shown a great deal of process of process globalizations. The twentieth century has shown a great deal of progress in communications, technology and transports. इट मीन्स ट्वेंटी जो सेंचुरी है उसमें कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एंड ट्रांसपोर्ट इन सब इन सब में बहुत अधिक वृद्धि देखी गई है जो कि हमें जियोग्राफिकल मतलब भूमंडलीकरण के बारे में हमें बताती है कि किस तरह से सीमाओं को पार करना है और किस तरह से यूनिटी के साथ रहना है दिस हैड्स मेड इट पॉसिबल फॉर अस टू ओवरकम ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज एंड चेंज अवर लाइफ स्टाइल इट मीन्स इससे हमारी क्या है ज्योग्राफिकल सीमाओं को पार करना और हमारे जो लाइफ स्टाइल है उसका पीछा करना बहुत ही पॉसिबल हो गया था और जो है जिससे कि पीपल क्या है एक यूनिटी को यूनिटी के साथ रहने लगे थे और उन्होंने और लोगों में यूनिटी दिखाई देने लगी थी और लोगों ने नई नई तकनीकों का भी इस तरह से यूज करने लगे थे और एक दूसरे के साथ यूनिटी के साथ रहने लगे थे और एक जगह से दूसरी जगह जाने के साथ साथ उन्होंने नए नए कल्चर्स को अपनाकर और लोगों में नई नई शुरू जागरूकता शुरू की और नई नई मतलब यूनिटी के साथ उन्होंने रहना स्टार्ट कर दिया था इसके बाद हम पार्ट थर्ड में जानेंगे